प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच गहरा रिश्ता है। इसका उदाहरण कई बार देखा जा चुका है। अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में कुछ ही दिन बचे हैं और इसी बीच एक अमेरिकी थिंक टैंक ने अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति को ये सलाह दी कि अपना कार्यकाल शुरू होने के 100 दिन के अंदर ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच जारी निकट संबंधों की अहमियत का मजबूत संकेत जाए। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS ने नवंबर के चुनाव में निर्वाचित होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि वे सुनिश्चित कर लें कि भारत आधारभूत संधियों पर दस्तखत करे, जो उसके अनुसार दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए अहम है। अमेरिकी थिंक टैंक का मानना है कि अगर इस तरह के समझौते नहीं हुए तो इससे अमेरिका के लिए भारत को अधिक सेंसिंग, कंप्यूटिंग और संचार तकनीक देना नामुमकिन हो जाएगा, जिसकी भारत को रक्षा के क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत जरूरत है। CSIS ने इस रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय एवं विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में कोई चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद स्थापित करने के लिए अगले प्रशासन को ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ काम करना चाहिए। इस संवाद को पूरे प्रशांत एवं हिंद महासागर क्षेत्रों में साझा हितों के मुद्दों पर केंद्रित करना चाहिए। CSIS ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि अमेरिका और भारत को परस्पर पनडुब्बी सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी युद्ध की कोशिशों समेत ज्वाइंट ट्रेनिंग और कार्यक्षमता का विस्तार करना चाहिए। थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी के साथ मजबूत रिश्ते बनाए और हाई लेवल पर डायलॉग बरकरार रखा। भारत के साथ अमेरिकी डायलॉग ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा पहलुओं पर केंद्रित था, जबकि भारत ने उसका गर्मजोशी से जवाब दिया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।